गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल वोट डालने के लिए पहुंची हैं। ये आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात में 14 जिलों की 93 सीटों पर हो रहा है मतदान। गुजरात में दूसरे चरण के मतदान में कई दिग्गज आज वोट डालने पहुंचेंगे। पहली तस्वीर आपके सामने, आनंदीबेन पटेल। अमित शाह, नरेंद्र मोदी भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, अरुण जेटली भी वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। तमाम लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए हाई प्रोफाइल वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने यहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और आनंदीबेन पटेल की भूमिका भी इस चुनाव में बेहद दिलचस्प रही है। उनकी नाराजगी की बातें आईं, पहले अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना, उसके बाद सुखबगाहट होना कि आनंदीबेन पटेल जो हैं तमाम व्यापारी वर्ग हों या तमाम जो नेता हैं पार्टी के, सबको खुश नहीं रख पा रही हैं, उनको लेकर विरोध चल रहा है। और इसीलिए और आला कमान भी जिस तरह से ये पाटीदार आंदोलन जो है वो मुखर हुआ, उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। वो अपने पद से हटती हैं, कयास लगाए जाते हैं, उसके बाद जिस तरह से रूपानी आते हैं, फिर उसके बाद आनंदी पटेल जिस तरह से कहती हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, हवाला देती हैं कि अब वो उम्र दराज हो चली हैं। कई बातें यहाँ पर सामने आती हैं और उनको लेकर भी कई तरह के कयास है। विशाल, बिल्कुल, मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात की हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में, उनसे जानते हैं। अभिलाष कांडेकर साहब, उत्तर गुजरात का इलाका और मध्य गुजरात का इलाका, मध्य गुजरात में तो आते हैं कई सारे शहरी इलाके जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक को लेकर काफी आश्वस्त है, लेकिन उत्तर गुजरात बड़ी मुश्किलों का सबब बन सकता है। अल्पेश ठाकुर उत्तर गुजरात से चुनाव लड़ रहे हैं, जिग्नेश मेवानी उत्तर गुजरात से चुनाव लड़ रहे हैं और ये जो युवा तिकड़ी है, इसका अच्छा खासा प्रभाव गुजरात के चुनाव में देखने को मिला है। उत्तर गुजरात में क्या समीकरण बनता हुआ आपको नजर आता है? देखिए, पिछले दोनों फेजेस के चुनाव में हमने देखा कि यही उत्तर गुजरात में जिस तरीके से युवाओं की रैली में जो बहुत भीड़ जुटी है, उसकी अपेक्षा तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर पा रही थी। तो आज अपने को पता लगेगा कि किस प्रकार के वोट युवाओं के लिए जा रहे हैं, बिकॉज युवा चाह रहे हैं काफ़ी बदलाव वहाँ पर गुजरात में। तो युवाओं का ये बदलाव की जो रणनीति और इसके आधार पर इन्होंने जो एग्रेसिव कैंपेनिंग किया है, उसमें मुझे लगता है कि उत्तर गुजरात के ऊपर सारी इसकी नज़र है। और पसीना यदि बीजेपी को आ रहा है तो इसी क्षेत्र से आ रहा है और उनको मालूम है कि यहाँ पर मुद्दे भी बहुत ऐसे हैं, विकास का भी मुद्दा आ रहा है और जिस तरीके से जातिगत राजनीति वहाँ पर डोमिनेशन कर रही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर देखना होगा कि कितने प्रतिशत वोटर्स बाहर आ रहे हैं फॉर द सेक ऑफ चेंज। उन्मेश जी, मुद्दों की बात हम करें, उससे पहले मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान देना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जाने जाते हैं अपने डिजिटल प्रचार के तरीकों को लेकर, लेकिन एक बहुत खास बात यहां पर नजर आई है, हार्दिक पटेल जो रैलियां करते हैं उसको फेसबुक लाइव के जरिए दिखाया जाता है। वो जहां जहां पहुंच नहीं पाते वहां फेसबुक लाइव होता है। आखिरी जो उनकी रैली थी, 53,000 लोगों ने उसे लाइव फेसबुक पर देखा है, वो रिकॉर्ड बना रहे हैं किसी भी और नेता के मुकाबले पॉपुलैरिटी के मामले में, खासकर फेसबुक लाइव। बिल्कुल, और उस दिन जो आंकड़ा था, उस दिन प्रधानमंत्री की भी एक रैली थी, उसको उनके मुकाबले हार्दिक पटेल की रैली के मुकाबले काफी कम लोग देख रहे थे और ये बात अखबारों में, खासकर गुजराती अखबारों में भी आई, ऐसा मैंने पढ़ा यहाँ। तो कुल मिलाकर हार्दिक पटेल के साथ जो टीम है, आई मीन, देखिए बड़ी दिलचस्प बात है, चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, उसके कुछ एलाइज हैं ये जो जिग्नेश मेवाणी हो या तमाम लोग, लेकिन असल में गांव-गांव गुजरात के वो जो कैडर है, क्योंकि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी का गुजरात में कोई मुकाबला किसी से सांगठनिक तौर पे नहीं हो सकता, और ये बात बिल्कुल मैं भी मानता हूँ, मैं गुजरात गया हूँ, जब भी मुझे लगा कि आरएसएस बीजेपी का जो सांगठनिक नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग है और कांग्रेस उसके मुकाबले कहीं नहीं खड़ी होती। लेकिन इस चुनाव की एक नई विशेषता यह है कि हार्दिक पटेल के कारण पूरा का पूरा गुजरात के गांवों में, कस्बों में, शहरों में एक पैरेलल नेटवर्क संगठन का खड़ा होकर कांग्रेस के साथ जुड़ गया है और ये इस चुनाव की सबसे दिलचस्प और बहुत ही खास बात है। जो आम तौर पे देखिए, उन्होंने अपने क्या है, उनके उनके संगठन को अगर आप देखें पाटीदार लोगों के, तो वो अपनी वर्दी, अपनी टोपी, अपना गाना, अपना झंडा, ये सब लेकर वो चल रहे हैं। बहुत दिलचस्प है, इस पर आमतौर पे मुझे लगता है मीडिया की उतनी नजर नहीं गई। चलिए रामचंद्र जी, इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जैसे कि आरोप लगाती रही है बीजेपी कि हार्दिक पटेल कांग्रेस की बी टीम है, एक 24 साल का लड़का एक आंदोलन करता है, उसके साथ भीड़ जुड़ती है, लोग जुड़ते हैं, समझ में आता है, लेकिन इतनी ऑर्गेनाइज्ड संगठन उसके साथ जुड़ जाना, इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से तमाम तकनीक का इस्तेमाल कर पाना, क्या वाकई में सिर्फ हार्दिक ही हैं या जैसा कि कहा जा रहा है पीछे पूरा का पूरा नेटवर्क सहयोग दे रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में इसके बारे में ये बड़ा एक बड़ा रेयर इंस्टेंस है गुजरात में जो देखने में आया है। एक तो यंग है, सिर्फ 24 साल के हैं और वो अभी 25 साल भी नहीं हुए, एंड इज नॉट इन अ पोजीशन टू फाइट इलेक्शंस, क्योंकि आपको मिनिमम 25 साल का होना चाहिए।
दूसरी बात, जिस तरीके से इनको सपोर्ट मिली है यंग लोगों से, वो अपने आप में एक बीजेपी के लिए बड़ा अनोइंग और डिस्टर्बिंग फैक्टर है। तीसरी बात है, जितने जगहों पे उन्होंने रैलीज की है वहाँ पर कंपैरिजन अगर करा जाए प्रधानमंत्री के साथ, तो लोगों ने, टेलीविजन नेटवर्क्स ने ये कहा है कि जहाँ पर हार्दिक पटेल गए हैं वहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा रहा है। चलिए मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ जो है वो इस वक्त अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची हैं अपने पोलिंग स्टेशन पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 90 साल की उम्र को पार कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी चाहे नोटबंदी के दौरान लाइन में लगकर अपने लिए पैसे निकालना हो या फिर आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना, एक वानगी जरूर वो पेश कर रही हैं विशाल। और फिनाज, गुजरात में एक चीज को लेकर चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी गुजरात आते हैं हीराबा से मिलने, उनका आशीर्वाद देने के लिए जरूर जाते हैं। इस बार ऐसा हुआ नहीं, तो आज ऐसा माना जा रहा है कि जब वोट करने के लिए प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे तो अपनी मां से मुलाकात करने भी जरूर जाएंगे। ये गांधीनगर की तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की जो माँ है वो वोट करने के लिए पहुंचती हैं, उनके भाई प्रधानमंत्री मोदी के जो भाई हैं पंकज भाई मोदी, उनके साथ वो वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई हैं। ये गांधीनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और माना ये जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री आज वोट करने आएंगे तो अपनी माँ का आशीर्वाद लेना नहीं भूलेंगे। चलिए, इस बार वो गाड़ी से आई है, रिक्शे का इस्तेमाल नहीं कर रही। ये तस्वीरें अक्सर चर्चा का विषय बनी है, और ये तस्वीरें एक तरीके से संदेश भी है कि चाहे उम्र कोई भी हो, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आप बाहर निकलें। और दूसरे चरण में जब मतदान हो रहा है, पहले चरण में वोटिंग जो है वो अपेक्षाकृत थोड़ी सी कम रही थी, 3-4% जैसा माना जा रहा था, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो उस कमी को पूरा कर देगी। तो न्यूज नेशन भी आपसे अपील कर रहा है कि बड़ी संख्या में बाहर आएं और वोट जरूर करें। प्रधानमंत्री मोदी की मां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हीराबा यहां पर वोट करने के लिए पहुंची है, गांधीनगर की तस्वीरें। चलिए, तो आप भी इन तस्वीरों से अपने लिए प्रेरणा ले सकते हैं अगर आप कोई बहाना सोच रहे हैं मताधिकार का इस्तेमाल ना करने का, तो आप इन तस्वीरों को देखिए कि अगर 90 साल की उम्र को पार करने के बाद भी अगर बुजुर्गवार जो हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घर से निकल सकते हैं, तो आप भी अपने घर से निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर अभिलाष खांडेकर जी भी हमारे साथ हैं। अभिलाष जी, अगर बात करें, बुजुर्गवार निकल रहे हैं, एक बानगी पेश कर रहे हैं, लेकिन गुजरात की जनसंख्या में आधी आबादी अगर कहें तो 40 साल से कम उम्र के लोगों की निकल कर आती है, और वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक की युवा जोड़ी, और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, बहुत ही रुचिकर बात है ये कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जब चुनाव होने के बाद जीते वो, तो उन्होंने अपने यहाँ के जो वृद्ध नेतागण थे उनको सलाहकार मंडल करके उनको एक बाजू में बिठा दिया और ये बताने की कोशिश करी कि युवा लोगों को वो आगे ला रहे हैं। लेकिन आज जब हम गुजरात में देख रहे हैं तो मोदी जी खुद 65 से ऊपर के हैं, 67-68 साल के हैं, और युवा शक्ति ने उनको, जो 20 से 30 साल के बीच के हैं, उन्होंने उनको एक बहुत बड़ी चुनौती दी है इस चुनाव के रूप में। तो एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ राहुल है, और पाटीदार और पटेल सबों के जो नए लड़के आए हैं जिनको चुनाव का या राजनीति का अनुभव बहुत कम है, लेकिन उनके पीछे जनता खड़ी है। इसका मतलब ये दिख रहा है कि युवाओं को जो निर्णायक शक्ति मिल रही है उसका परिणाम गुजरात में कुछ अलग दिख सकता है, दिख सकता है, और उस शक्ति को इनकार भी नहीं किया जा सकता। उमलेश जी, क्या बीजेपी ने इस शक्ति को, इस आंदोलन की आंच को भांपने में गलती कर दी? अति आत्मविश्वास से लबरेज थे कि गुजरात तो हमारा है और ठीक है, ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि देखा कि हार्दिक आंदोलन धीरे 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 किस तरह से वो पीक पर पहुंचता गया, तब जाके आंख खोली कि हाँ भाई कुछ हो रहा है। नहीं, बिल्कुल आपका सवाल बहुत ही वाजिब है, क्योंकि शुरू से ही बीजेपी के जितने टॉप लीडर थे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर साहब, अमित शाह जी, विजय रूपानी, इन सबको लगता था कि हम इतनी बड़ी ताकत हैं भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर। और दूसरी बात कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे नरेंद्र भाई मोदी, देश के प्रधानमंत्री हैं, एक आकर्षण है, तो गुजरात की जनता कभी दूसरी तरफ झांकेगी नहीं। उनको ये शायद अंदाज नहीं था कि हार्दिक पटेल ने सिर्फ एक नेता, एक युवा नेता के तौर पे पाटीदार आरक्षण आंदोलन का केवल उन्होंने प्रभाव नहीं छोड़ा है, बल्कि उन्होंने अपने संगठन की जमीन को मजबूत किया है। और जो आप कह रही थी, अभी सवाल पूछ रही थी कि उसके पीछे कोई नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा है, देखिए पाटीदारों के साथ एक बड़ी बात यह है कि वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने
कांग्रेस को अगर गुजरात की सियासत में रिप्लेस किया तो उसकी बड़ी वजह थी कि उन्होंने पाटीदारों का समर्थन अपने साथ हासिल किया, और बाद के दिनों में उन्होंने पूरे समाज को एक हिंदूकरण के आधार पर मोबिलाइज किया, एक तरह का पोलराइजेशन हुआ। लेकिन बहुत दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि पाटीदार आंदोलन ने, जिसमें 11-12 लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हुए, बहुत सारे लोग जेल गए, आई थिंक वो जो घटना है उस घटना का हार्दिक पटेल ने भरपूर राजनीतिक इस्तेमाल किया, जेल में रहने के दौरान भी, जेल के बाहर आकर भी। वो बार बार बोलते रहे कि भाई हमें तो पटाने के लिए 4 करोड़ दिए गए, लेकिन दिए जा रहे थे, लेकिन हमने रिफ्यूज किया। एक रणनीतिक फेलियर भी रहा कि आपने वक्त रहते उस आंदोलन की आंच को समझा नहीं। और ये तस्वीरें एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबेन जो हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अहमदाबाद में अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंची हैं, अपने बेटे और बहू के साथ वह तस्वीरों में नजर आ रही हैं। आनंदीबेन पटेल गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री इस वक्त क्या कह रही हैं, आपको सुनवाते हैं। हर बार इस प्रश्न वो इसका जवाब इसमें है, उनको पता चलेगा कि वो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसके यू आर द फेस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस बार आपने जो बैक सीट लिया, आपको लगता है इसमें बिकॉज ऑफ दिस इसमें फर्क पड़ेगा बीजेपी के लिए? क्या फर्क पड़ेगा? वोट इंटरनल, यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट वोट, बिकॉज यू आर द फेस ऑफ द बीजेपी हियर एज फार एज दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कंसर्न। मेरे से भी ज्यादा मत मिलेगा, ये हमारे उम्मीदवार है, मुझे जितना मत मिला था उनसे भी ज्यादा मत मिलेगा। Will the Hardik factor really work? No. You're very confident of winning. आनंदीबेन पटेल का कहना है कि मैं भले चुनाव नहीं लड़ रही हूं, लेकिन पहले से ज्यादा वोट यहां पर मिलेंगे, और हार्दिक पटेल कोई फैक्टर नहीं, उसे साफ तौर पर नकार रही हैं। और मिलेश जी, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, इन तीन जगहों की मैं बात करूं, 36 सीटें इन्हीं शहरी इलाकों में हो जाती हैं और बहुत जबरदस्त वोटिंग बीजेपी के पक्ष में रही है, इस बार डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा यहाँ पर? नहीं देखिए, ये जो इलाके हैं, अगर पिछले इलेक्शंस का अगर आप रिजल्ट देखें तो ये वाकई भारतीय जनता पार्टी के सबसे सघन आधार वाले इलाके हैं, और बीजेपी को अभी भी भरोसा है कि यहाँ उसकी स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन जो जमीनी रिपोर्ट आ रही है वो माना यह जा रहा है कि वडोदरा की कुछ सीटों, वडोदरा के आसपास की कुछ सीटों पर शायद बीजेपी अच्छी स्थिति में रहेगी। इधर काफी विभाजन हुआ है। कि नौसेना के बेड़े में एक बेहद महत्वपूर्ण घातक पनडुब्बी शामिल होने जा रही है, कमीशन होने जा रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद हैं और रक्षा मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको INS कलावरी के कमीशन की दिखाते हैं। आपको बता दें, देश में बनी पहली परमाणु पनडुब्बी है जो भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो रही है। P-75 प्रोजेक्ट के तहत मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड में इसको बनाया गया था। कलावरी क्लास की पहली पनडुब्बी है INS कलावरी जो भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रही है। आपको बता दें, इसके साथ ही साथ 6 और पनडुब्बी भी, उनका निर्माण भी मुंबई में ही चल रहा है और मझगांव के डॉक में इन्हें इनबिल्ट किया जा रहा है और पूरी भारतीय तकनीक से इनको लैस करके बनाया जा रहा है। अपने आप में बेहद कामयाबी नौसेना के लिहाज से, और अगर हम देखें तो तकनीक के लिहाज से भी, अगर हम सक्षम होते हैं परमाणु पनडुब्बी अपने देश में ही निर्मित करने में, तो यकीनन हमारे लिए ये स्वावलंबन की ओर एक और कदम है। और जब नौसेना की ताकत बढ़ रही है, प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर खुद मौजूद हैं। उर्मिले जी, आपसे समझना चाहेंगे इन तस्वीरों की अहमियत और कितनी ताकत नौसेना को इससे मिलने जा रही है। नहीं देखिए, भारतीय नौसेना काफ़ी पहले से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन उसके पास कुछ जिस तरह के आप बता रहे हैं घातक जो शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, उनकी जो कमी बताई जाती रही है, खासकर पनडुब्बियों की, तो उससे ये जो एक नया इंट्रोडक्शन हुआ है एक पनडुब्बी का, इससे भारत की नौसेना की शक्ति में इजाफा होगा। क्योंकि आज के दौर में जब हमारे आसपास के समुद्री इलाके में तमाम तरह के संकट, तमाम तरह की चुनौतियां, नए ढंग की चुनौतियां, खासकर चीन का जिस तरह से प्रभाव बढ़ा है और जिस तरह चीन ने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर रिश्ते कायम करके और एक तरह से घेराबंदी की है, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भारत जिस तरह पहल कर रहा है और जापान से भी उसको एक बेहतर सहयोग, ऑस्ट्रेलिया से भी सहयोग मिल रहा है, और जाहिर है इसके पीछे अमेरिका का भी एक नज़रिया है कि चाइना के बढ़ते प्रभाव को कैसे काउंटर किया जाए, और उसमें भारत की एक बहुत अहमियत है, बहुत अहम भूमिका है भारत की, जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पूरे इस क्षेत्र में एक चिंता उनकी है कि कैसे चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोका जाए। तो मुझे लगता है कि भारत अगर अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है, नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ये मैं समझता हूँ कि भारत के लिए महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि आगे शक्ति संतुलन इस पूरे क्षेत्र
क्षेत्र में कैसा साउथ चाइना सी में जिस तरह से लगातार चीन अपनी आंखें तड़े देता है, जिस तरह से दबदबा बनाने की कोशिश करता है, ऐसे में हिंदुस्तान के पास एक न्यूक्लियर सबमरीन का, वो भी देश में निर्मित न्यूक्लियर सबमरीन का नौसेना के बेड़े में शामिल होना यकीनन बेहद लाभप्रद हो सकता है। 1565 टन की पनडुब्बी है ये और 50 दिन से ज़्यादा समंदर के भीतर रह सकती है। आपको बता दें कि पनडुब्बी जो होती हैं अगर वो समंदर के भीतर कितने दिन रह सकती हैं ये भी बहुत मायने रखता है युद्ध की स्थिति में। अभी तक जो भी डीजल ऑपरेटेड जो सबमरीन होती थी उनको रिफ्यूलिंग के लिए या अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए एक बार फिर से सरफेस पे आना पड़ता था, लेकिन अगर आपके पास न्यूक्लियर सबमरीन है तो उसमें आपकी जो मैन पावर है वो थक सकती है, उनको फटीग हो सकता है, आप उनकी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम पनडुब्बी जो है उसको अपने आप को चार्ज करने के लिए सतह पर नहीं आना होगा, तो और ज़्यादा लाभप्रद वो है युद्ध की स्थिति में वो शामिल हो सकती है। INS कलावरी के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी आपको बता दें, 1565 टन की पनडुब्बी है, 50 दिन से ज़्यादा तक समंदर के पानी में आसानी से रह सकती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, 6 टॉर्पीडो ट्यूब इसके अंदर हैं, एंटी मिसाइल के साथ साथ एंटी माइनिंग सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है। ये तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई प्रधानमंत्री मोदी की, यहां से रवाना होंगे और पहुंचेंगे अहमदाबाद जहां उन्हें करना है मतदान। 14 जिलों की 93 सीटों की वोटिंग की हर पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल विशाल, बीजेपी वडोदरा को अपने लिए बड़ी सुरक्षित सीट मानती है और यहां पर विधानसभा चुनाव की भी बात करें तो चुनावी नतीजे जो पिछले हैं वो ये बताते हैं कि बीजेपी का गढ़ है, क्योंकि 10 में से 9 विधानसभा सीट जो हैं उन पर बीजेपी काबिज है, जबकि एक पर निर्दलीय उम्मीदवार है लेकिन उसका भी समर्थन बीजेपी को मिल जाता है। वैसे चुनावी सरगर्मियां जो मतदान का माहौल है मैं तस्वीरों के जरिए यहां पर दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से मतदाता बड़ी संख्या में अब पोलिंग बूथ्स पर उमड़ने लगे। ये लंबी कतार ये बताने के लिए काफ़ी है कि कितना जोश है यहाँ के मतदाताओं में और किस तरीके से ये बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ के शुरू होते ही यहाँ पर पहुँचे हैं। ये वो जनता है जिन्होंने बड़े ही भारी मत से बड़े बड़े मार्जिन से दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ से जिताया था, जिसके बाद उन्होंने बनारस की सीट रखी थी और ये सीट जो है छोड़ दी थी, दोबारा चुनाव हुए और इत्तेफाक से रंजनबेन भट्ट जो कि मोदी की जगह पर जीत कर आई वो भी थोड़ी दूरी पर ही यहाँ से वोट कर रही हैं। मैं दूसरे पोलिंग बूथ पर आपको दिखा सकता हूँ, दरअसल यहाँ पर कई कतारें हैं और यहाँ की जो मौजूदा सांसद हैं जो कि मोदी के एवज में यहाँ से चुनी गई थी, उनके बाद चुनी गई थी, वो यहाँ पर वोट करने आई हैं। तो ये पूरा चुनावी माहौल जो है पोलिंग बूथ का ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से जो वडोदरा का मतदाता है वो अपने घरों से निकला है पूरे जोश खरोश के साथ और इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए, अपना मतदान करने के लिए। बिल्कुल विकास, ये तमाम तस्वीरें यकीनन लोकतंत्र की मजबूती की ओर इशारा करती हैं और एक अच्छा संदेश देती हैं कि सुबह का वक्त है, बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लेकिन गुजरात चुनाव में किस तरह से मुद्दे और ये जो आंदोलन की आँच थी, क्या कुछ इसके राजनीतिक मायने हैं, एक बार फिर से इसका विश्लेषण करेंगे। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि गुजरात के रण में आज 93 सीटों के लिए 851 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता जनार्दन ईवीएम में बंद करने जा रही है। किस तरह से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लगातार यहां पर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और न्यूज नेशन भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचें अगर आपका वोट गुजरात में है। तो राहुल जी, यहां पर अगर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और जिस तरह से यहाँ पर अर्बन वोटर जो है वो तो इंटैक्ट है, लेकिन कई जगहों पर इस चरण के मतदान में भी, चाहे वो उत्तरी गुजरात की बात करें, दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि आंदोलन की आंच वहाँ पर मेहसाणा एक तरह से केंद्र रहा था, तो परेशानी का सबब ये एरिया बन सकता है बीजेपी के लिए। निश्चित रूप से, आपने खुद ही कहा आंदोलन वहाँ से शुरू हुआ, वहाँ सबसे सघन है, आज भी वो लोग वहाँ पर हैं, उनकी स्मृतियों में वो सारी चीज़ें हैं और जो नई चुनौती मिली है बीजेपी को इस बार उसका केंद्र, मुख्य केंद्र तो मेहसाणा है जहाँ पर आज वो हो रहे हैं, तो उसका असर आसपास के ज़िलों में, उस पूरे ज़िले में रहने वाला है। और ऐसा नहीं होता कि केवल एक वर्ग ही ऐसे एक बड़े परिवर्तन से प्रभावित हो, उसका कुछ असर छलक कर दूसरे वर्गों और दूसरे इलाकों में भी पड़ता ही है। लोग नए सिरे से देखना शुरू करते हैं अपने नेताओं को और पूरी परिस्थिति को, तो निश्चित रूप से असर पड़ेगा। इसी के अंदर मैं एक सवाल जोड़ना चाहता हूँ, शहरी इलाकों की हम बात करें, जहाँ से आंदोलन भी शुरू हुआ, मेहसाणा की बात करी, लेकिन शहरी इलाकों का आमतौर पर जो डिसाइडिंग फैक्टर हम मार्कल चल रहे हैं वो डिमोनेटाइजेशन या GST को है। आपको लगता है क्योंकि दूसरे चरण के चुनाव में ज्यादातर जो मुद्दा उठाया गया वो एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन का था और महंगी हेल्थ सर्विसेज का उठाया गया, थोड़ा सा यहाँ पे होगा लेकिन उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसी इलाके से आपको ध्यान होगा कि ये सबसे मजबूत गढ़ भी रहा है बीजेपी का
और मोदी का जो एक लगाव है, मोदी से लोगों का जो लगाव है, सबसे ज़्यादा पोषण जिस इलाके का हुआ है, जिसको फ़ायदा हुआ है, वो भी यही इलाका है। तो आसान नहीं है कि उनके इस GST और नोटबंदी के कारण कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए, कुछ वोट जरूर निश्चित ही। उमलेश भी कुछ कहना चाह रहे हैं। नोटबंदी और GST का प्रभाव तो हर जगह है, और जो व्यापारी, आप जानती हैं कि गुजरात में जो धंधा है यानी व्यापार है, वो सबसे अहम पहलू है और उसमें बड़ी आबादी इन्वॉल्व है। लेकिन एजुकेशन और हेल्थ केयर का सवाल क्यों उठा, इसकी एक वजह है, गुजरात ने समृद्धि की नई नई मंजिलों को क्रॉस किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर पिछले 30 सालों का हिसाब देखा जाए, ये नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की केवल देन नहीं है, बहुत पहले से वहाँ अच्छी स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन मोदी जी के समय काफ़ी काम हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हुआ यह है कि एजुकेशन में और हेल्थ केयर में दोनों इंडिकेटर्स अगर देखे जाएँ गुजरात की, तो बहुत पुअर हैं। उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात के चुनाव की हम चर्चा कर रहे हैं, और वहाँ के स्थानीय मुद्दों पर अगर हम जाएँ, नॉर्थ गुजरात में, उत्तर गुजरात में जब प्रधानमंत्री पहुंचे और राहुल गांधी जब बार बार कह रहे थे कि विकास की बात नहीं कर रहे, विकास की बात नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री ने कहा सुजलाम सुफलाम योजना हम यहां पर लेकर आए, साबरकांठा अरावली को पानी हमने दिया, जब यहां पर धूप पड़ती है जून के महीने में, लोग बाहर निकलना नहीं पसंद करते, तब हम यहां पर कृषि महोत्सव चलाते थे, हम यहां पर छोटी बच्चियों की शिक्षा के लिए मेहनत करते थे, तब कांग्रेस पार्टी को नजर नहीं आता था। और एक और खास बात, बनासकांठा में जब बाढ़ की स्थिति थी, प्रधानमंत्री ने कहा यहां के लोग जब बाढ़ से लड़ रहे थे, तब कांग्रेस के विधायक बेंगलोर के रिजॉर्ट में स्विमिंग कर रहे थे। ये बात निश्चित है कि जब विकास की बातें हो रही थी, तो इन चुनावों में विकास तो निश्चित रूप से केंद्रीय मुद्दा रहा है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री ने बहुत सारे ऐसे दूसरे विषय, पाकिस्तान से लेके मुस्लिम तुष्टिकरण से लेके दुनिया भर की सारी चीज़ें जब कांग्रेस पे आरोप मढ़े, तो उसके कारण ये पता चलने लगा था कि विकास के बारे में जो उनका जो गुजरात का मॉडल था उसके बारे में वो कम बात कर रहे थे। उनको वो वहाँ के उदाहरण देना चाहिए थे कि पर कैपिटा इनकम कितनी बड़ी है, कितना इन्वेस्टमेंट आया है, हेल्थ की स्थिति क्या है, सोशल इंडिकेटर्स कैसे बदले हैं, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्या फर्क पड़ा है। लेकिन उसके बजाय ही वॉज एड्रेसिंग अ डिफरेंट दिस थिंग वोट बैंक, तो उसके चलते ये चुनाव का पिच ऐसे विषयों पर पहुंच गया कि जहां पर वो राहुल गांधी लगातार ट्वीट कर करके उनको प्रश्न पूछ रहे थे विकास के बारे में, और मोदी जी एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करके वोट बैंक को वो अपने आप कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे। चुनाव जो है इमोशंस भुना के लड़ पाने में क्या कामयाब होंगे, राहुल गांधी के जो तीखे सवाल थे उनके जो जवाब ना देकर चुनावों की जो पूरी प्रचार प्रसार है उसको एक अलग ही दिशा में प्रधानमंत्री ले गए, तो क्या वाकई में लोगों के इमोशन से जुड़कर यहां पर कुछ फायदा होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे, इस पहलू पर जो अभिलाष जी ने उठाया। लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी मेहसाणा से धीरेन्द्र जुड़े हुए हैं, दाहोद से नीरज जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से हमारे साथ मोहित राज दुबे हैं। मेहसाणा सबसे पहले चलते हैं, मेहसाणा की बात करें अगर, धीरेन्द्र, आंदोलन की आंच से इनकार नहीं किया जा सकता, बीजेपी को भले ही इस आंदोलन की शक्ति को भांपने में देरी हो गई हो, गलती हो गई हो, लेकिन अभी फिलहाल एक वक्त पे बीजेपी का गढ़ रहा मेहसाणा, आपने ग्राउंड जीरो से क्या कुछ वहां पर महसूस किया है? देखिए, अगर मैं कहूं कि मेहसाणा जो अमूमन हम मुस्कुराता हुआ गुजरात देखते हैं चुनाव के दौरान, तो लेकिन वहां मेहसाणा का क्या अंदाज है वो आपको दिखेगा। ये सिक्योरिटी आपको दिख रही होगी, ये सिक्योरिटी मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज है, अमूमन इस तरह से यहाँ नहीं देखा जाता है, एक शांति प्रिय मतदान की बात होती है। लेकिन मेहसाणा ये वो हिस्सा है जहाँ इस बार पूरे चुनाव के साथ साथ उस आंदोलन का एपिसेंटर भी है जिसने पूरे गुजरात के चुनाव की दिशा एक तरह से कहें निर्धारित की है, वो चाहे भाषणों में हो चाहे वो, लेकिन यहाँ भी आपको एक अजीब किस्म का ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा कि अगर पाटीदार बदलाव के लिए बात कर रहे हैं जो गांव की तरफ ज़्यादा है, तो शहरों में आपको विकास के नाम पर वोट करने वालों की लंबी कतारें दिखेंगी। यानी एक तरह से अगर हम कहें बदलाव का जो हिस्सा है वो आपको दिखेगा और आपको अलग अलग जगह आपको दिखेंगे। आपने वोट, मैं एक बार सिर्फ उदाहरण के तौर पर, ये एक अलग बूथ है पिनाज यहाँ का मूड के लिए, आपने वोट कर दिया, वोट किया है, किसके लिए कर रहे हैं वोट इस बार, है विकास पे वोट कर रहे हैं या किस पे कर रहे हैं? वो तो जो क्या करा, ये गांव का एक हिस्सा, आपने किस पे वोट किया? परिवर्तन के लिए, परिवर्तन के लिए वोट यस, किया है। यस, ये देखिए परिवर्तन के लिए वोट, आपने किसके लिए वोट किया? मैंने दान किया है, मैंने दान किया है। अच्छा, आपने वोट दान किया है, आप क्या कर रहे हैं, सरकार बदल रहे हैं, सरकार चला रहे हैं? मैं आपको मैं कह नहीं सकता, तो आप
ये देखेंगे गुजरात का अलग अलग कलर है। बिल्कुल धीरेन्द्र, हम सुन रहे हैं यहाँ पर जो मतदान है उनका क्या कहना है, मतदाताओं का क्या कहना है। दाहोद का रुख कर लेते हैं एक सेकंड। बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पर कही है, ये दान किया है वोट का क्या समझा जाए इसको, वोट मतदान किया है मतलब मतदान किया है उन्होंने वो कहा है। लेकिन एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि आज का जो चुनाव जहाँ पर हो रहा है ना, जो पिछले दिनों भारत सरकार ने जो 150 सबसे पिछड़े जिले जो निकाले हैं उसमें बनासकांठा और इन जिलों का हिम्मतनगर और इन जिलों का डांग का उसमें समावेश होता है, तो हम जिस विकास मॉडल की बात कर रहे हैं इन्हीं चुनाव के दूसरे जो दौर में कम से कम 6 ऐसे जिले हैं पूरे देश के 150 जिलों में से जो सबसे पिछड़े जिले हैं गुजरात के, उसके बारे में इंडिकेटर पूछना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ से दो दो नए ऑफिसर्स को भेज के उन जिलों की सूची बनवा रही है कि वहाँ क्या हो रहा है, तो उसमें महसाणा क्यों है, उसमें हिम्मतनगर क्यों है, उसमें बनासकांठा क्यों है, ये पूछा जाना चाहिए। उत्तर गुजरात के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वो विकास मॉडल का विकास अब तक पहुँच नहीं पाया। दाहोद से हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दाहोद का क्या कुछ हो रहा है वो जान लेते हैं। नीरज, बहुत बड़ा इलाका ग्रामीण इलाका है और आदिवासियों का इलाका है, आदिवासियों को अपने पक्ष में करने के लिए बहुत मेहनत की है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं है। सिंचाई का जो पानी है वो बहुत बड़ा मुद्दा बना है और स्वास्थ्य सेवाओं का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा बना है। दाहोद में मतदाताओं में किस तरह का उत्साह? जी बिल्कुल, देखिए हम आपको सबसे पहले नज़ारा दिखा दें कि यहाँ जहाँ हम ITI कैंपस में हैं यहाँ 11 पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं और यहाँ आप देख पाएंगे कि ये जो नज़ारा है मतदाता कतारों में तो नहीं है लेकिन लगातार उनकी आवाजाही बनी हुई है, लोग पहुँच रहे हैं अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने के लिए और 8 बजे के बाद से ही यहाँ शुरुआत हो गई थी। और दाहोद के बारे में हम आपको एक बात और बता दें कि इस जिले में 6 सीट्स हैं जिनमें से कि 5 ST के लिए हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में हैं और 1 जनरल की सीट है, तो जाहिर तौर पर यहाँ मुद्दे अलग हैं। और BJP और कांग्रेस की ताकत की बात की जाए तो 3-3 सीटों पर दोनों पार्टी काबिज हैं यहाँ, तो जाहिर तौर पर आदिवासियों को अपने पक्ष में करने के लिए दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसा आपने बताया पानी और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा इशू है और साथ ही साथ रोजगार का भी, इन्हीं 3 मुद्दों पर दोनों पार्टी फोकस कर रही है। और इस बीच हम सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारी और दे दें कि दाहोद जिले में 1600 में से आधे से ज़्यादा बूथ जो है वो सेंसिटिव है और क्रिटिकल है, लिहाजा यहाँ ITBP को डिप्लॉय किया गया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वोटर्स की बात जहाँ तक हम करें तो वोटर्स के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और चूंकि यहाँ सर्दी काफ़ी ज़्यादा है इसलिए दिन चढ़ने के साथ लोगों के आने की उम्मीद ज़्यादा बनेगी, लेकिन अभी भी लोग लगातार पहुँच रहे हैं और वोट कर रहे हैं। हमारे साथ मोहित राज दुबे भी कांग्रेस मुख्यालय से इस वक्त जुड़े हैं। मोहित, जो पहले चरण का मतदान था उसमें जिस तरह का वोटर टर्नआउट हुआ था उसके बाद कहा जा रहा था कि कांग्रेस के खेमे में कुछ शांति है और BJP के खेमे में कुछ हलचल मच गई है। दूसरे चरण के मतदान की बात करें तो यहाँ पर किस तरह से पूरी ताकत जो है कांग्रेस के नेताओं ने झोंकी हुई है, अंदर खेमे से आपने क्या कुछ जो चर्चा की हो, क्या कांग्रेस के दावे हैं? लड़ाई तो उन्होंने पूरी ताकत झोंक के लड़ी है लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं आपके सूत्र? देखिए, कांग्रेस ने पहले चरण में उम्मीद जताई थी, कड़ी मेहनत की थी लेकिन अग्नि परीक्षा उनके दूसरे चरण में है और दूसरे चरण के लिए राहुल गांधी ने बारीकी से मेहनत की, बारीकी से रणनीति बनाई और आखिरी वक्त में एक चैनल को साक्षात्कार देकर चले गए और विवाद खड़ा हो गया। रात को 9:30 बजे के आसपास उनके नेता चुनाव आयोग पहुँचते हैं, जवाब देते हैं और कहते हैं कि FIR बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी दर्ज होना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी बयानबाजियाँ करी थी मीडिया में आके। चलिए वो तो दूसरी बात हो गई लेकिन दूसरे चरण की अगर बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी की 2012 की अगर तुलना की बात करें तो बढ़त तो है। अगर कांग्रेस यहाँ बढ़त पा लेती है तो कांग्रेस का ये मानना है कि वो चुनाव जीत जाएगी, वो मैदान मार जाएगी, लेकिन असल सवाल यही है कि ये वो इलाके हैं जहाँ पर OBC पाटीदार क्षत्रिय और जो आदिवासी जो वोटर वो ज्यादा है। चलिए यही सवाल हम अपने एक्सपर्ट से भी पूछते हैं रामचंद्रन जी, के ये जो तिकड़ी है जो एक बड़े जातिगत समीकरण को भी टारगेट करती है, बड़े ग्रुप को भी टारगेट करती है, ये तिकड़ी क्या दूसरे चरण में भी परेशान उतना ही कर पाएगी? देखिए, अगर हम पहले चरण को देखें और जो आप वोटिंग हो रही है देखें तो जो आपके संवाददाता ने 4 लोगों से बात की और उसके आंसर्स बड़े इंटरेस्टिंग थे। एक ने तो बड़ा स्पेसिफिकली कहा कि वो चेंज चाहते हैं, दूसरे ने कहा कि मैं बताना नहीं चाहता मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरे ने कहा कि अपनी तरफ से जो सवाल किया गया उनका उन्होंने हाँ या ना में जो भी जवाब दिया वो था,
चौथे ने कुछ इशारा ज़रूर की कि वो नहीं बताएंगे कि उनके मन में क्या बात है। अनसर्टेनिटी है। अब ये अनसर्टेनिटी किस वजह से है? मेरे ख्याल में रूलिंग पार्टी की कुछ एरोगेंस की वजह से है। और दूसरा, जो उन्होंने एक टारगेट सेट किया था कि हम 150 सीट ले आएंगे आउट ऑफ 182 जी, वो टारगेट अगर वो नहीं पहुंचे तो इन सम वेज इट अमाउंट टू कंसीडिंग। इसी बात को मैं राहुल जी आपके पास भी ले जाऊंगी, लेकिन इस बीच अमित शाह जो हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर बाहर पहुंचे हैं या शायद वोट डालने जा रहे हैं। विक्ट्री साइन वो यहां पर दिखा रहे हैं अपने परिवार के साथ, वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और कुशल रणनीतिकार जो हैं वो क्या गुजरात के चुनाव में भी कमल खिलाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि उनकी खुद की साख भी पार्टी के भीतर विरोध के स्वर कई बार उठते रहे हैं, कई नेता तो मुखर तौर पर भी कहते रहे हैं। तो ऐसे में क्या अमित शाह के लिए भी एक बहुत बड़ा अहम चुनाव है, क्योंकि इसके नतीजे, टारगेट भले ही आपने 150 प्लस रख दिया है, लेकिन इसके नतीजे जो हैं वो काफ़ी हद तक पार्टी में जो आपकी साख है वो भी तय करेंगे। राहुल जी, मैं रामचंद्रन जी का सवाल जो है वो आगे बढ़ाऊँ, उससे पहले क्योंकि अमित शाह की तस्वीरें आ गई हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। उनकी कुशल रणनीति और जिस तरह से वो हमेशा लगातार एक तरह से पदयात्रा पर एक तरह से निकले हुए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हार्डवर्क पर किसी को कोई संदेह नहीं, लेकिन यहाँ पर अमित शाह का पार्टी में कद या नतीजों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा गुजरात के। निश्चित रूप से दोनों के कद प्रभावित होंगे, नरेंद्र मोदी का कद भी और अमित शाह का कद भी। ये ठीक है कि अमित शाह ने अपनी एक अनूठी किस्म की रणनीति से और अनूठे तरीके से काम करने के तरीके से पार्टी को पूरे देश में एक बिल्कुल अप्रत्याशित जीत दिलाई है, ऐसे इलाकों में जहाँ उसका नामोनिशान नहीं था। लेकिन उनका भी आधार गुजरात है और गुजरात से ही शुरुआत हुई थी, उनके राजनीतिक उदय भी वहीं से हुआ था, उनकी राजनीतिक प्रतिभा का आकलन और उसका पहला दर्शन भी देश को और पार्टी को गुजरात से ही हुआ था। ये उनकी अग्नि परीक्षा है जी। राहुल जी, एक छोटा सा सवाल रामचंद्रन जी का जो सवाल है उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए कि जो उन्होंने कहा कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, तो जो अनसर्टेनिटी होती है ये अगर हम एक परंपरागत तरीके से इसका एनालिसिस करें तो अनसर्टेनिटी किस तरह से आपको इंटरप्रेट करते हुए आप समझ पाते हैं? बीजेपी के इस गढ़ में अगर चार वोटरों में से एक ने भी साफ साफ नहीं कहा, जैसा कि हमने पिछली बार सुना था पहले दौर में कि हमने मोदी को वोट दिया, तो इसका मतलब है कि ये पहले जैसा मामला वहाँ नहीं है, ये अनिश्चितता कम से कम मोदी के पक्ष में नहीं है, बीजेपी के पक्ष में नहीं है, विपक्ष में जा रही है। एक ने तो बिल्कुल साफ बोला, बाकी दो ने तीन ने भी अपनी मत जाहिर करने की ज़रूरत नहीं समझी या किया नहीं जी। तो ये कोई बहुत अच्छा शुभ संकेत नहीं है बीजेपी के लिए।